नमस्कार मित्रों, आज का ये वीडियो बहुत ही रुचिकर और एक विवादित मुद्दे पर है जिसको हम डिटेल में आपको समझाने वाले हैं, जिस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे और उसके हर तथ्य को आपके सामने तक पहुंचाएंगे और सारी जो रहस्यमयी चीजें हैं, जो भी उसमें रहस्य छुपे हुए हैं, जो भी बातें हैं, सब कुछ समझाने वाले हैं। आज का जो वीडियो है वो है हमारा कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर। कांग्रेस अपने गठन से ही लेकर विवादित रही है। जब कांग्रेस का गठन हुआ तो वहां पर कांग्रेस को यह कह दिया गया, अरे ये तो सेफ्टी वाल है। कांग्रेस को उस समय सेफ्टी वाल क्यों कहा गया? क्योंकि जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे या फिर जो कांग्रेस के पहला, एक तरह से कह सकते हैं, जिन्होंने गठन किया, जिसको गठन का श्रेय जाता है, वो एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे, A.O. ह्यूम उनका नाम था। हालांकि जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वो बिमोस चंद बनर्जी थे। 1885 में 72 प्रतिनिधियों में इसने भाग लिया था। लेकिन इसका गठन इसलिए विवादित हो जाता है, जब आप इसको सुनेंगे, एक अंग्रेज अधिकारी ने कांग्रेस का गठन किया, जो कि आज कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, इतने दिनों तक देश पर शासन किया या फिर स्वतंत्रता संग्राम में इतना ज्यादा भाग लिया, इस पार्टी का गठन एक अंग्रेज कैसे कर सकता है? इसीलिए इसको कहा गया कि सेफ्टी वाल है। सेफ्टी वाल क्यों है? ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज यह जानते थे कि देश में एक बार 1857 का विद्रोह हो चुका था, उसके बाद 1885 में यह कांग्रेस जब बन रही थी तो वहां पर वो लोग एक ऐसी संस्था बनाना चाहते थे जहां पर ये पता चलता रहे कि होने क्या वाला है, या फिर जो देश में ये आंदोलनकारी हैं वो करना क्या चाहते हैं। एक मंच उनको दिया और उस मंच में एक अंग्रेज अधिकारी को ही बना दिया और उसका वो सहानुभूत पूर्वक वो बन गया कि उसने सहानुभूत जता दिया कि मैंने कांग्रेस को बनाया और सारे लोग उसके अंडर में काम करना शुरू कर दिए। इस वजह से इसको सेफ्टी वाल कहा गया और इसका एक तरह से कह लीजिए कि गठन ही विवादित हो गया कि यह एक भारतीयों के लिए काम करेगी या अंग्रेजों के लिए काम करेगी। एक तो यहाँ पर ये रहस्य रह गया, एक विवादित मुद्दा यहाँ पर ये छूट गया। बात आगे बढ़ी, आगे कांग्रेस के अधिवेशन होते गए। कुछ लोगों ने जो कांग्रेस में भाग लेते थे, ये इसमें लेते थे, ये हर साल एक अधिवेशन होता था, लगभग ठंडी के मौसम में होता था। तो लोगों ने इसको बाद में कहना शुरू कर दिया कि ये तो छुट्टियों का टूर है या फिर मनोरंजन का टूर है या फिर ऐसा है वैसा है, क्योंकि इसमें कुछ खास जो आउटकम था वो निकल नहीं पा रहा था। सिर्फ अधिवेशन होते थे, लोग इकट्ठा होते थे, बैठक होती थी और निकल जाते थे। इसके बाद ये कांग्रेस के अधिवेशन होने लगे। जैसे ही बात थोड़ी सी आगे बढ़ी, लगभग ये बात पहुंची 1906-5 या कह सकते हैं 1903-4 ही ले लीजिए, यहाँ पर कांग्रेस का ही विभाजन हो गया। एक तरफ बंगाल का विभाजन हो रहा था, दूसरी तरफ कांग्रेस का विभाजन हो रहा था। कांग्रेस लगी थी बंगाल का विभाजन रोकने में, लेकिन बंगाल विभाजन ने कांग्रेस का ही विभाजन करवा दिया। कांग्रेस में विभाजन कैसे हो गया? यहाँ पर उग्रवादी और उदारवादी का मैटर आ गया। उग्रवादी थे जो तेज तर्रार थे, जो हिंसा के दम पर, अपने बाहुबल के दम पर, अपने मुट्ठी से कह सकते हैं कि देश को आजाद कराना चाहते थे, अंग्रेजों को मजा चखाना चाहते थे, अंग्रेजों की हड्डी तोड़ना चाहते थे अपने दम पर, न कि रिक्वेस्ट करके, प्रार्थना पत्र देके या फिर लोकतांत्रिक तरीके से। उदारवादी थे, लोकतांत्रिक थे, वो चाहते थे लोकतंत्र के माध्यम से, रिक्वेस्ट के माध्यम से, प्रार्थना पत्र के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से रिमेम्बर करा के देश को आजादी चाहिए, देश में अत्याचार हो रहा है, अंग्रेजों को ब्रिटेन में बहुत ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं, भारत में अंग्रेजों ने लोगों के अधिकारों को दबा दिया है या फिर उनके साथ असहनीय व्यवहार कर रहे हैं, असंवेदनशील व्यवहार कर रहे हैं, इसके माध्यम से वो देश को या फिर कांग्रेस को आगे ले आना चाहते थे और देश को अंग्रेजों से मुक्त कराना चाहते थे। लेकिन उग्रवादी यहीं पर दूसरी तरफ झुके हुए थे, वो पूरे देश को एक साथ संगठित करना चाहते थे और युद्ध लड़ने के लिए तैयार थे कि किसी तरह से अंग्रेजों को हम मार कर भगा देंगे, तोड़ कर भगा देंगे और यहां से उनकी बुढ़िया बिस्तर को हटा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। उग्रवादी उदारवादियों के आगे झुकते हुए प्रतीत हुए तब जब 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। अब समझते हैं कांग्रेस के विभाजन में क्या ऐसे कदम उठाने पड़े, कौन सी ऐसी समस्याएं आ गई कि कांग्रेस का विभाजन करना पड़ा। यहाँ पर 1905 में एक अधिवेशन होता है बनारस में, जिसके अध्यक्ष बनाए गए गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पर तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे ही 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ तो यहाँ पर जो उग्रवादी थे, वो लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक को या फिर लाल बाल पाल, आप नाम सुने होंगे, ये उग्रवादी थे, तो इनके आधार पर वो इनको अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन जो उदारवादी थे वो राज बिहारी घोष को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे। यहीं पे झगड़ा स्टार्ट हो गया और दोनों तरफ से कोई अध्यक्ष न बनते हुए बीच का रास्ता निकाला गया और वहां पर दादा भाई नौरोजी को अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। तो यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष की मारामारी इसलिए है कि ये समझ लीजिए थोड़ा सा कि अध्यक्ष बनने की होड़ क्यों है, क्या होता था, कुछ आउटकम तो निकलता नहीं था, लेकिन ये था कि जो अगले साल का प्रारूप तय होगा या आंदोलन किस दिशा में चलेगा वो अध्यक्ष के माध्यम से ही तय होता था कि वो शांतिपूर्वक चलेगा, उग्रवादी चलेगा, कि आंदोलन होगा, कि उग्र आंदोलन होगा,
वस्त्र जलेंगे कि होली जलेगी, क्या होगा, ये अध्यक्ष के माध्यम से ही अगले साल की रूपरेखा तैयार होती थी वहां पर। इसलिए इसको लेके इतना ज्यादा अध्यक्ष को लेके मारामारी हो रही थी। तो आज जो देख रहे हैं कांग्रेस का जो अधिवेशन है, कांग्रेस जो अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, जैसे खड़गे और शशि थरूर, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनमें जो कंपटीशन चल रहा है कौन अध्यक्ष बने, किसे अध्यक्ष बनाया जाएगा, ये आज ही नहीं, ये पुराने समय से ही चला आ रहा है। जब से कांग्रेस का गठन हुआ है तब से अध्यक्ष के पद को लेकर मारामारी हो रही है। अभी आगे भी एक और ऐसी इंसिडेंट हम आपको बताने वाले हैं जहां पर और ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई। उसमें तो गांधी जी भी शामिल थे और वहां भी रोक पाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि अध्यक्ष पद को लेकर वहां पर लालसा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी हम देखेंगे उसको आगे, लेकिन थोड़ा यहां पर आपको समझा देते हैं किस तरह से कांग्रेस का विभाजन हो गया 1907 में। यहां पर एक विभाजन तो टल गया क्योंकि यहां पर दादा भाई नौरोजी को बना दिया गया, लेकिन जैसे ही बात आगे पहुंची 1907 के कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो यहाँ पर जो उग्रवादी थे वो चाहते थे नागपुर में अधिवेशन हो, और जो कि उदारवादी चाहते थे कि सूरत में अधिवेशन हो। अब फिर से वही बात आ गई कि फिर वो लाल बाल पाल या फिर लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी थे वो राज बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर उग्रवादियों की हार होती है और अंततः यहाँ पर सूरत का अधिवेशन हो जाता है और कांग्रेस का विभाजन भी हो जाता है। और इसके बाद दोनों अलग अलग तरीके से आंदोलन चलाना शुरू कर देते हैं। इसी चक्कर में देखेंगे कि एक बार फिर से कांग्रेस का जो लेवल था वो डाउन होने लगा, क्योंकि कांग्रेस को आपस में ही मतभेद हो गया, आपस में ही दरार आ गई, आपस में ही फूट पड़ गई। इसका अंग्रेजों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ और वो कांग्रेस या बंगाल को विभाजन करने में पूरी तरह से सफल हुए और उन्होंने बंगाल को दो भागों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में टोटली डिवाइड कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अध्यक्ष बनते गए, सब कुछ चलता गया। 1916 में अध्यक्ष बने या फिर एक तरह से होम रूल लीग भी गठित हुई, गांधी जी आंदोलन में शामिल हो गए, 1917 से आए शामिल हो गए, अपना असहयोग आंदोलन चलाए, चंपारण सत्याग्रह चलाए, खेड़ा सत्याग्रह और ये सब चलाते गए गांधी जी। 1924 में गांधी जी को भी इसका अध्यक्ष बनाया गया, बेलगाम अधिवेशन में गांधी जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। वहां पर मैटर ये फंस गया था कि स्वराज दल बनाया गया था, स्वराज दल उसमें शामिल होना चाहता था, सरकार में चुनाव लड़ना चाहता था, गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे। तो गांधी जी विरोध कर रहे थे तो ये दिखाने के लिए देश को कि हाँ गांधी जी हमारे साथ है, गांधी जी को ही अध्यक्ष बना दिया गया और कहा गया कि आप खुद कहिए कि हाँ स्वराज दल कांग्रेस के अंदर काम करेगा। तो एक तरह से गांधी जी ही दब गए वहां पर। ये बात आगे बढ़ती रही। अब इसके बाद असली मुद्दा यहाँ क्रिएट होता है कि अब असली लड़ाई और आपको देखने को मिलेगी जब हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन होता है। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी आमने सामने आ जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो कि आप जानते ही हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दो के नारे के साथ तेज तर्राक क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी नेता थे, और उन्होंने देश विदेश पूरा घूम के पूरे दुनिया में को एक साथ किया और भारत में अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार किया। वही सुभाष चंद्र बोस ये 1920 में आईसीएस की परीक्षा क्वालिफाई कर चुके थे, बहुत ही महत्वाकांक्षी परीक्षा थी, लेकिन 1921 में उन्होंने उसे त्यागपत्र दे दिया। जब उधर उनका बहुत ज्यादा सुनहरा भविष्य था तब भी वो आजादी की लड़ाई में कूद गए। और यहाँ पर महात्मा गांधी बापू जी ने कहा था अगर पूरा देश एक साथ लड़ेगा, एक मन से लड़ेगा, तो एक साल के अंदर आजादी मिल जाएगी। ये बात 1921 की है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बाद में आंदोलन स्थगित हो गया। यहाँ पर क्या हुआ हरिपुरा अधिवेशन में क्या होता था कि इससे पहले जो अध्यक्ष बनता था कांग्रेस का उसको गांधी जी नियुक्त करते थे, या फिर गांधी जी के सहमति से नियुक्त होता था, जो कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक थी वो नियुक्त करती थी, लेकिन उसमें गांधी जी का योगदान होता था, गांधी जी इसके ऊपर हाथ रख देते थे, वो अध्यक्ष बन जाता था। इस समय क्या था कि सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये सब बहुत ही अच्छी भूमिका में उभर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू तो अध्यक्ष बन चुके थे लेकिन सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष नहीं बने थे। यहाँ पर गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बना दिया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जैसे ही अध्यक्ष बने तो अपने अंदर काबिलियत, अपने अंदर की प्रतिभा की वजह से वो देश में लोकप्रिय हो गए। और अगली बार जब त्रिपुरी में चुनाव होने को हुआ तो फिर ये हुआ कि गांधी जी सुभाष चंद्र बोस की मंशा को समझ चुके थे और वो दूसरे डायरेक्शन में जा रहे थे। गांधी जी सोचते थे कि इस बार सुभाष लेकिन सुभाष चंद्र बोस तब भी अध्यक्ष का चुनाव लड़ गए और अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के बाद जीत भी जाते हैं। गांधी जी अपना कैंडिडेट खड़ा किया था पट्टाभी सीतारमैया को, वो और हार जाते। पहले अब्दुल कलाम आजाद थे लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया विवाद को देखते हुए। बाद में पट्टाभी सीतारमैया खड़े हुए चुनाव में और हार गए। और यहाँ पर गांधी जी को यह तक कहना पड़ा कि पट्टाभी सीतारमैया की हार सीधे मेरी हार है। कांग्रेस में विवाद इस हद तक बढ़ चुका था कि गांधी जी को भी ये सब बोलना पड़ रहा था कि गांधी जी खुद हार रहे थे, जबकि गांधी जी कांग्रेस को इतने आगे ले जाने वाले थे, संगठन को मजबूत करने वाले गांधी जी ही थे, लेकिन उनको खुद ये कहना पड़ गया था। हालांकि बाद में सुभाष चंद्र बोस जब समझ गए कि गांधी जी हमारे साथ नहीं है, पूरी कांग्रेस कार्यकारिणी ही हमारे साथ नहीं है, तो उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और फिर वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, एक नया अपना
इंस्टीट्यूट बना के या कह सकते हैं संगठन बना के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद वो देश छोड़ के चले जाते हैं बाहर, सिंगापुर, जर्मनी, जापान घूमने लगते हैं और वहां पर जन समर्थन इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। इस तरह एक बार फिर से कांग्रेस का विभाजन होते होते बच गया, क्योंकि वहां सुभाष चंद्र बोस ने खुद अपना इस्तीफा दे दिया गांधी जी की वजह से, या फिर गांधी जी की हार की वजह से वो देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि बापू पूरे देश में बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे और कांग्रेस में इस तरह का विवाद उत्पन्न हो गया था। वही विवाद दोस्तों आज भी देखने को मिल रहा है। जब हालांकि अभी आगे कहानी है कि देश आजाद हुआ, फिर कांग्रेस के चुनाव चलते रहे, अध्यक्ष बनते रहे जवाहरलाल नेहरू, फिर उधर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, पीवी नरसिंह राव और ये सब बनते चले गए। बाद में सोनिया गांधी बननी शुरू हुई और सोनिया गांधी अपने सबसे बड़े कार्यकाल में अब तक अध्यक्ष रह चुकी हैं। 2017 से 19 तक राहुल गांधी को भी मौका मिला इसमें अध्यक्ष बनने के लिए, लेकिन राहुल गांधी अध्यक्ष को या फिर कह सकते हैं वो खुद को अपने लिए अध्यक्ष का योग्य उम्मीदवार नहीं समझते थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष पद से। पूरे कांग्रेस के मेंबर, पूरे कांग्रेस कार्यकाल, यहाँ तक कि गहलोत या फिर कह सकते हैं जो भी कमलनाथ, ये सब नेता कांग्रेस के हैं, ये लोग चाहते थे कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, राहुल गांधी अध्यक्ष बने। वो लोग कहते थे हम बनाएंगे, राहुल गांधी भटक गए हैं, राहुल गांधी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, हम समझाएंगे, हम बताएंगे, तब राहुल गांधी इसके अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन राहुल गांधी भी अपने स्टैंड पर अडिग हो गए और उन्होंने कहा मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा। एक बार चुनाव स्टार्ट हुआ था 1939 में, जब कांग्रेस का त्रिपुरी संकट आया था तब चुनाव हुआ था, उससे पहले गांधी जी चुनाव करते थे। उसके बाद ये चुनाव आज 2022 में चुनाव हुआ, 19 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आया जिसपे खड़गे की विजय हुई, शशि थरूर और खड़गे इसमें चुनाव लड़े। यहाँ तक कि ये था राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये लोग ने अपना नामांकन भी नहीं भरा, गांधी परिवार इससे बाहर हो गए, जबकि गांधी परिवार सबसे ज्यादा टाइम तक इस पर या फिर गांधी नेहरू परिवार ले सकते हैं, कांग्रेस पर काबिज रहा, आजादी के बाद ही बहुत दिनों तक काबिज रहा इस पर, लेकिन इस पर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। राहुल गांधी ने नामांकन तक नहीं भरा, जबकि राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो यात्रा के साथ देश भ्रमण कर रहे हैं, या फिर भारत जोड़ो यात्रा के लिए यहाँ तक कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा को स्टार्ट किए हुए है और यहाँ पर अध्यक्षी का चुनाव चल रहा है। ये एक तरह से राजनीति चल रही है, क्या वो शो करना चाहते हैं, क्या दुनिया को दिखाना चाहते हैं, क्या वो पहचाना चाहते हैं। यहाँ पर शशि थरूर भी एक अच्छे नेता के रूप में उभर कर आए थे, लेकिन शशि थरूर अभी चुनाव हार चुके हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कर्नाटक से आते हैं वो चुनाव जीत चुके हैं और सारे लोगों ने उनको बधाई दी है। अब हो सकता है ये कांग्रेस का एक इतिहास बदलने वाला है कि एक बार गांधी परिवार से इतर, जो कि कभी लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते थे गांधी परिवार से इतर कोई अध्यक्ष बनेगा गांधी इसमें कांग्रेस में, आज मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी परिवार से इतर अध्यक्ष बना के कांग्रेस ने अपना इतिहास बदल दिया है। या फिर कह सकते हैं कि जो परिवारवाद की राजनीति है उसे कांग्रेस अलग होने की कोशिश कर रही है, मजबूरी में अलग हो रही है या फिर अलग होने की कोशिश कर रही है या फिर अलग हो गई है, जो भी हो इसके आगे देखते हैं कि आगे चल कर राहुल गांधी कहीं ऐसा ना हो कि अभी दिखाने के लिए चुनाव हो रहे हैं, बाद में सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी कोई भी आके उस पर अध्यक्ष पद का उम्मीदवार फिर से बन जाए और फिर से चुनाव और फिर से अध्यक्ष बन जाए। देखना है कितने दिनों तक परिवारवाद से दूर रहती है कांग्रेस, कितने दिनों तक कांग्रेस का अध्यक्ष पद परिवारवाद से दूर रहेगा, राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा, कांग्रेस को किस दिशा में ले जाएगा, कांग्रेस इस पार जाएगी या उस पार जाएगी, क्या होगा आगे चुनाव में देखेंगे, आगे के अध्यक्ष पद में देखेंगे। साथियों इसी तरह की फैक्ट एनालिसिस के लिए हमारे वीडियो बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। ऐसे ही किसी विवादित मुद्दे पर, ऐसे ही रहस्यमय मुद्दे पर हम फिर से वीडियो लेके आएंगे जहां हम आपके कन्फ्यूजन को दूर करते हुए दिखेंगे और सारी बातों को एकदम स्पष्ट भाषा में समझाते हुए दिखेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहें, इस वीडियो को देखते रहें, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और हमारी प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पर और